हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी क्या होता है, इसका एक इफेक्ट होता है, तो उसके मान लीजिए सराउंडिंग में इसका एक एरिया होगा। तो इस एरिया में एक तरीके से कह सकते हैं आप कि इसका इफेक्ट है। तो अगर इस एरिया के बाहर यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज क्यू नॉट है, तो अगर ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है अगर इसके एरिया के देखिए बाहर है, तब तक इस पर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि इसके रेंज के बाहर है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ से मूव करके इसके बाउंड्री के पास में आएगा, तो जैसे ही बाउंड्री को टच करेगा या इस बाउंड्री के अंदर आएगा, है ना, तो इस वाले चार्ज को क्या होगा, एक फोर्स फील होगा। तो वो फोर्स किसकी वजह से फील हो रहा है, इस फील्ड की वजह से फील हो रहा है, ठीक है। ये जो फील्ड आपको दिखाई दे रही है चार्ज क्यू की वजह से, इसकी वजह से क्यू नॉट को एक फोर्स फील होगा। तो यहाँ पे बेसिकली बात यही पे कहा यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी कि किसी डिस्टेंस पे जो एक्शन होता है, दैट इज फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स फील होना। तो बिटवीन चार्जेस इट इज अज्यूम्ड दैट ए चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस ए फील्ड इन स्पेस सराउंडिंग इट, ठीक है। कि कोई भी चार्ज होता है उसके सराउंडिंग क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज के अंदर अगर कोई अदर चार्ज इंटर करने की कोशिश भी करेगा, तो उसको एक फोर्स फील होती है। तो इस वजह से हमारा जो कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे समझ चुके हैं, अब बात यहाँ पे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे देखा कि दो चार्जेस हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए थे। एक चार्ज हमने यहाँ पे क्यू लिया हुआ था, जो कि इसका एक रेंज था इसके सराउंडिंग, और दूसरे चार्ज को हम लोगों ने क्यू नॉट यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे रख रहे थे, जो कि टेस्ट चार्ज था। अब इसको इसके नियर हमको लेके आना था, तो इसको क्या एक फोर्स फील हो रहा था, मतलब हमको ये कहना है कि हमारा जो मेन फोकस है वो इस वाले चार्ज की वजह से, ठीक है, क्यू की वजह से, कि कितना इसके पास फील्ड होगा, जितना ज़्यादा फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स क्यू नॉट को महसूस होगा। मीन्स हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या है, हमारा क्यू की वजह से ही हमारा मेन फोकस है। तो क्या करते हैं हम लोग, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करनी होती है, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि सिर्फ यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसमें हम टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, यानी कितना हमको क्यू नॉट को छोटा मान के चलना है, जैसे कि जीरो हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एफ यानी फोर्स जो फील हुआ उसमें हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। तो कह सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कि यानी कि कॉन्स्टेंट एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके लिए यहाँ पे आर कैप यहाँ पे इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कंसर्निंग हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि सबसे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है फोर्स की, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, ठीक है। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आप ट्रीट करेंगे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इससे अवे यानी बाहर की तरफ होती है, और इसका जो हमारा यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है उसमें हमेशा क्या होती है, टूवर्ड्स इट, यानी कि उसके अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम्ब, यानी कि इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम्ब, ठीक है, या फिर वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इट्स अ डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन, तो इसकी ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे कि हमारा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार वन मार्क्स में पूछा जाता है, आपको यूनिट भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इट ओबेज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कुछ गोल्डन पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, आइदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन,
ठीक है, यानी कि जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल होता है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसको एक फोर्स फील होगा, या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो। उसके अलावा अगर मान लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखिए मीडियम की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि 1/ε0 हमारा एक टर्म और यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो कि हमारा εr क्या होता है कि रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है। तो हमारा बेसिक टारगेट बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझ लिया है कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग एक तरीके से जो एक तरीके से रेंज होती है जिसमें कोई अदर चार्ज क्या एक फोर्स फील करेगा, तो वहाँ तक की रेंज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई।